कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी एक दिन में नहीं आती और वो जाती भी एक दिन में नहीं। अब जैसे किसी को पित्त में पथरी है, या गुर्दे में पथरी है, या थायराइड की दिक्कत है, या सोरायसिस से एक बहुत खतरनाक बीमारी है, या बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका हेयर फॉल है या हेयर ग्रोइंग है, इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है? मेडिसन्स का एक लिमिटेड रोल है, दवाइयां जो हम देते हैं उनका कुछ हद तक रोल है, ज्यादा रोल हमारे अपने शरीर के सिस्टम को संभालने का है, क्लिंजिंग ऑफ सिस्टम। शरीर को कैसे साफ करें, आप शरीर के सिस्टम को कैसे साफ करें, तो उसके लिए कुछ योगिक क्रियाएं हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ये योगिक क्रियाएं तो आप जरूर करें। और यदि आप 40 साल के बाद हैं, यदि आप 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, फिर तो आप ये मेरी बात पल्ले पकड़ लें इसको, कि आपको बीमारियां आनी ही आनी है उसके बाद। और बीमारियों का कुछ चक्कर ऐसा है, एक बार आपको कोई दिक्कत होगी तो सारी उम्र फिर आप उस डॉक्टरों के चक्कर में ही गुजार देते हो, ठीक नहीं हो पाता पेशेंट। अभी किसी को थायराइड हो गया तो सारी उम्र थायराइड की दवाई खा रहा है वो, किसी को बीपी हो गया सारी उम्र बीपी की दवाई खा रहा है, किसी को जोड़ों का दर्द है सारी उम्र जोड़ों की दर्द की दवाई खा रहा है, किसी को पित्ते की पथरी होगी तो उसने क्या किया, गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करवा लिया, पित्ता निकलवा लिया, कोलेसिस्टेक्टमी करवा ली, लेकिन उसके बाद वो सारी उम्र डॉक्टरों के चक्कर में रहता है। उसको कभी पेट की दिक्कत हो जाती है, कभी अफारा आ जाता है, कभी एसिडिटी रहती है। तो इन चीजों से यदि आप निजात चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपको बीमारियां आए ही नहीं ना, तो उसके लिए ये तीन चीजें मैं बता रहा हूं, आप इनको प्रैक्टिकली करना शुरू कर दीजिए। यदि आप इनको करेंगे तो 100% रिजल्ट है, अगर नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं। तो आपने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये तीनों चीजें आपने जरूर करनी है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। कैसे करनी है इसका मैं एक बार तरीका आपको डेमो दे देता हूँ, आप खड़े खड़े देख लें एक बार। खड़े खड़े नहीं करनी है, करनी सभी ने बैठ के है, कुर्सी पे बैठ के कर लो, जमीन पे पलौथी मार के कर लो। कई बार आपकी दिक्कत ऐसी है कि घुटनों में दर्द है या ज्यादा दिक्कत है तो बैठ नहीं पाता पेशेंट, तो लेट के भी कर सकता है, जमीन पे या बेड पे लेट के भी कर सकता है। तो ये तीनों क्रियाएं यदि आप करेंगे, आपके जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देख लें इसको। सबसे पहली क्रिया है कपालभाति, इसमें नाक द्वारा सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा, ध्यान से देखें एक बार आप। कपालभाति में नाक द्वारा सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा, इससे क्या होगा, आपका इंटरनल ऑर्गन्स हैं जितने भी, लीवर है, पेंक्रियाज है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, उनकी एक्सरसाइज होगी। जब वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपको कभी गुर्दे में पथरी नहीं होगी, कभी पित्त में पथरी नहीं होगी। सोरेसिस की जिनको प्रॉब्लम है वो कपालभाति कीजिए, सोरेसिस आपकी खड़ी नहीं रहेगी। दवाइयां टेम्परेरी सोल्यूशन है, दवाइयां हल नहीं है, दवाइयां कुछ समय के लिए आपको उसको दबा सकती है, सोरेसिस की दिक्कत को, या आपकी जोड़ों के दर्द की दिक्कत को, या आपके पित्ते की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, उसका परमानेंट हल है ये कपालभाति, आप कीजिए, इसको करने की आदत डालिए। दूसरा अनुलोम विलोम है, किसी को माइग्रेन की दिक्कत रहती है, सिर में दर्द है, भयानक से भयानक सिर में दर्द है, बालों की प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आंखों की आपको कोई दिक्कत है, कानों की दिक्कत है, सुनने की दिक्कत है, आपको एलर्जी राइनाइटिस है, तो ये सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। सिर्फ अनुलोम विलोम करें, सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आप अनुलोम विलोम कीजिए। मैं करके दिखाता हूँ, रेगुलरली 5-7 मिनट इसको कीजिए, देखिए एक बार आप। समय नहीं है किसी के पास, आप ऑफिस में बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक आप अनुलोम विलोम नहीं करेंगे आप माइग्रेन की समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते, जब तक आप अनुलोम विलोम नहीं करेंगे आपको एलर्जिक राइनाइटिस से छुटकारा नहीं मिल सकता, जब तक आप अनुलोम विलोम नहीं करेंगे आपको बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कानों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गले की कोई प्रॉब्लम है, आपकी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, यदि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ थोड़ा सा अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। और दवाइयां टेम्परेरी सोल्यूशन है, फॉर ए फेज, फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए लीजिए। ये थोड़ा ही कि आप सारी उम्र 10-10 साल से आप दवाइयां खा रहे हैं, 20-20 साल से आप दवाइयां खा रहे हैं, वो हल नहीं है। हल कपालभाति में, हल अनुलोम विलोम में, हल भस्त्रिका प्राणायाम में, ये आप करेंगे तो पीछा छूटेगा और आप देखेंगे आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ जाएगी। जैसे ही आपने योगा शुरू किया,
आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनको मेडिकल साइंस भी नहीं जानती आज तक। एपिलेप्सी के किसी को दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे, 3-3 साल लगातार दवाई खाते रहते हो, फिर दौरे पड़ जाते हैं 3 साल दवाई खाने के बाद भी। उसका टेम्परेरी सोल्यूशन है मेडिसिन। यदि आपने अनुलोम विलोम किया तो आपको मिर्गी के दौरे आ ही नहीं सकते। आपने अनुलोम विलोम किया आपको कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। यदि आपने अनुलोम विलोम किया आपको कभी पैरालिसिस हो ही नहीं सकता। तो आप क्यों वेट कर रहे हो कि आपको हार्ट अटैक आए, उसके बाद आप बाईपास कराएं, आप डॉक्टरों के धक्के खाएं, अपना परिवार को बर्बाद करें, अपने समाज को बर्बाद करें, अपना पैसा बर्बाद करें, अपना समय बर्बाद करें? उस चीज की नौबत ही ना आने दो ना। आप आज से ही योगा शुरू कर दो। यह जरूरी है कि पहले हम बीमार हों फिर जाके योगा शुरू करेंगे? तो ये आयुर्वेद की जो सुक्ति है, समस्त स्वस्थ रक्षण, समस्त व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। हमें बीमार पड़ना ही नहीं, हमें बीमार होना ही नहीं। यदि एक बार आप बीमार हो गए तो फिर तो ये एक बड़ा कुचक्र है, चिकित्सा व्यवसाय बन चुका है। उस व्यवसायीकरण से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर आपको तरह तरह की इन्वेस्टिगेशन, तरह तरह की जांच, तरह तरह की रिपोर्ट ये करवानी ही पड़ेगी आपको। तो ये योगी क्रियाएं आप घर पे ही बैठ के कीजिए, सकारात्मक सोच के साथ कीजिए, पॉजिटिव सोच के साथ। और दूसरा, इसमें आपने भस्त्रिका प्राणायाम जो है, तीसरा जो प्राणायाम है, सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम, इसको आप कभी भी कर सकते हो घर पे बैठ के। लंबा गहरा सांस, नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, मुंह बंद रहेगा। आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनकी वाइटल कैपेसिटी को आपने बढ़ाना, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ाएंगे। लंबा गहरा सांस नाक से लेंगे, नाक से छोड़ देंगे, मुंह आपका बंद रहेगा। देखें एक बार आप, आंखें बंद, मन सहज, तीन से पांच मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, 3 से 5 मिनट कपालभाति कीजिए, 3 से 5 मिनट आप भस्त्री का प्राणायाम कीजिए। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ाते चले जाइए, 3 से फिर 5 मिनट, फिर 7 मिनट, 7 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट तक आप अनुलोम विलोम कपालभाति कीजिए, 5 मिनट तक आप भस्त्री का कीजिए। आपके सारी व्याधियां चली जाएंगी शरीर से। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आप पे निर्भर करता है कि आपने स्वस्थ रह के अपनी जिंदगी गुजारनी है या डॉक्टरों के, चिकित्सकों के व्यवसाय में, उसके कुचक्कर में फंस के अपना जीवन बर्बाद करना। ये आपके अपनी सकारात्मक सोच पे, जैसा आप सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। जिस दिन से आपने योग करने की आदत डाल ली, आपकी कोई भी व्याधि हो, बहुत सी बीमारियां ऐसी है जिनको आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते या मैं बता नहीं पा रहा अब आपको, लेकिन वो सारी ही बीमारियां चली जाएंगी, करना आपको पड़ेगा। तो सकारात्मक सोच के साथ आप योगा कीजिए और बीमारियों को बाय बाय कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उसके लिए आप एलोपैथिक मेडिसिन की, आयुर्वेदिक मेडिसिन की, होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, पर उन पर डिपेंडेंट होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दवाइयां मत लीजिए, लेकिन कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। ये नहीं कि आप 20-20 साल से, 10-10 साल से दवाइयां खाते रहे, वो सोल्यूशन नहीं है। तो जितनी भी बीमारियां हैं आपके शरीर में, अगर आप सकारात्मक सोच के साथ योगा करेंगे तो धीरे धीरे वो चली जाएंगी। आप योग करने की आदत डालिए, खान पान में थोड़ा ध्यान रखिए, अपने शरीर को समझिए और सकारात्मक सोच रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।